हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके यूट्यूब चैनल सेल्फ हेल्प में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्पीयरमैन कोटी अंतर विधि। इसके अंदर हम दो श्रेणियों की तुलना करते हैं कि दो श्रेणियां दी हुई है, दोनों का क्या संबंध है। जैसे कि पेट्रोल का भाव बढ़ने से मोटरसाइकिल का खर्च जो अपना बढ़ जाता है, गैस का भाव बढ़ने से रसोई खर्च बढ़ जाता है, या इसी प्रकार का संबंध, यानी एक चीज़ बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ती है या उसी अनुपात में घटती है, उसको हम कहते उसको स्पीयरमैन कोटी अंतर विधि से, या उसका सहसंबंध गुणांक हम ज्ञात करते हैं कि दोनों के अंदर क्या संबंध है। क्या एक के बढ़ने से दूसरा भी बराबर बढ़ता है, या एक के घटने से, जैसे बैंक में हम ब्याज दर बैंक वाले घटा देते हैं तब क्या है, लोन लेने वालों की संख्या बढ़ जाती है। बैंक जैसे ही ब्याज बढ़ाता है लोन लेने वालों की संख्या घट जाती है। इससे संबंध है कि इनके बीच में संबंध है ऋणात्मक, यानी एक घटता है एक बढ़ता है, उसी का हम इसमें अध्ययन करते हैं। और इसके बारे में देखिए तो हमारे पास देखिए दो श्रेणियां दी हुई है, एक एक्स श्रेणी है और वाई श्रेणी है। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है कि इसका स्पीयरमैन कोटि अंतर, स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड इसको कहते हैं इंग्लिश में, हमें इसको क्या रैंक देनी, कोटी देनी होती है। कोटी का मतलब अपना जो इस श्रेणी में जो मान दे रखे हैं उसमें जो सबसे बड़ा मान है, यानी कि इसमें अगर हम देखते हैं अपना सबसे बड़ा मान क्या है, अपना यहाँ पर 20 है। कितना है अपना 20, 20 को हम क्या लिखते हैं, एक लिखते हैं। उसके बाद इससे छोटा वाला ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये 5 और ये 6। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से अब दूसरी जो श्रेणी आपकी दे रखी है इसके अंदर भी अपने को क्या करना है, सबसे बड़ा मान जो दे रखा अपने को कि 80 है, 80 को एक नंबर देंगे, फिर आप 2 देंगे, 3 देंगे, 4, 5 और 6। इस प्रकार से बड़े मान को एक नंबर देना है, उसके बाद 2 नंबर देना है, उससे छोटे को 3 नंबर देना है। इस प्रकार जो आपका एक्स और वाई में जो भी आपका चल देगा उनको सबको कोटी दे देंगे, रैंक दे देंगे। कितने रैंक पे, यानी सबसे फर्स्ट आता है उसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट रैंक पे, उसके बाद सेकंड रैंक पे। इसके बाद हमें क्या करना है, अंतर कोटी अंतर, यानी कोटी अपने पास यहाँ पे क्या है, 6 है, यहाँ पर 1 है, यानी 6 - 1 बराबर आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास 5 आएगा। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार 5 - 2 आपको यहाँ पे 3 लिखना है, 4 - 3 अपना, और 3 - 4 यानी -1 आता है, और यहाँ पे आपका ये 2 है और ये 5 है। ठीक है दोस्तों, तो अपने पास ये माइनस के 3 आएंगे और ये आपके पास माइनस के 5 आते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ माइनस नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, और इसको हम डी के द्वारा दर्शा दें। किसके द्वारा, कोटी इन द डिफरेंस, अंतर है इंग्लिश में, इसको डिफरेंस कहते हैं डी से, इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं, डी के द्वारा लिखते हैं। डी स्क्वायर करना है, जो यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ है उसका हमें यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको, आपका 25, 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 1 का वर्ग 1, 1 माइनस 1 का वर्ग भी 1, और -3 का वर्ग आपके पास 9, और 5 का वर्ग -5 है, यहाँ पे -5 का वर्ग भी आपके पास क्या होता है, ये आपके पास 25 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, देखिए इसका सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना रो, उसके लिए हमारे पास सूत्र है 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। एन अपना इधर से देखिए, ये एन है, एन का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 पद है, यहाँ पर 6 एन का मतलब 6 हो गया। यहाँ हम क्या करते हैं, सिग्मा डी ज्ञात कर लेते हैं, क्या इनको जोड़ लेते हैं, क्या करते हैं इसको जोड़ लेते हैं, ये 25, 25, 50, 60, 70 हो गया अपने पास, ये 70 आ गए। ठीक है दोस्तों, ये जुड़ने के बाद अपने पास यहाँ हम क्या करते हैं, ये सहसंबंध गुणांक ज्ञात करते हैं, इसको रो लिखते हैं, बहुत सारे पी लिखते हैं, लेकिन रो सही संबंध है, 1 - 6 गुणा सिग्मा डी स्क्वायर, आपके पास क्या है, 70 है।
कितना है दोस्तों 70। और बेटा n, n अपने पास क्या है 6³ - 6, ठीक है दोस्तों, अपने पास 1 माइनस, ये आपका इसको गुणा किया 420, 7 × 42 जीरो लगा दिया, ये आपके पास 6³ का 6 × 6 × 6 - 6 यानी 216 है, -6 है, ठीक है। अपने पास इसको घटा लेते हैं, अपने पास 1 - 420 बटा आपके पास घटाएंगे 210 आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों, अपने पास क्या आया 210। अब जीरो से जीरो कट गया, 21 से कम 21, 21 दूना 42, इस प्रकार से 1 - 2 = -1, रो इजल टू अपने पास क्या है -1 आया, रो इजल टू -1 है, इसका मतलब ये देखो इस श्रेणी के अंदर उच्च स्तरीय ऋणात्मक सहसंबंध है, ठीक है दोस्तों। अब ये बात आती है कि इसमें मैं आपको बता देता हूं कि कब उच्च स्तरीय आएगा, कब निम्न स्तरीय आएगा। इसमें देखिए गुणांक मैंने लिखा है, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें सहसंबंध गुणांक रो का मान अगर 10 में आपका 0.75 से 1 के बीच में है तो उच्च स्तरीय धनात्मक सहसंबंध, इसका मतलब एक श्रेणी में मान बढ़ता है दूसरी में भी बढ़ेगा। जैसे गैस के दाम बढ़े तो रसोई का खर्च भी बढ़ेगा 101%। अगर इसका मान प्लस में 0.75 से 0.25 के बीच में जब मध्यम स्तरीय धनात्मक यानी एक बढ़ने पर उस पर थोड़ा फर्क पड़ेगा, और 0.25 से 0 तक है तो उसमें आपका बहुत ही नगण्य प्रभाव पड़ता है इसमें, इसलिए इसको निम्न स्तरीय धनात्मक सहसंबंध के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार ऋणात्मक भी होता है, ऐसे अगर इसका मान रो का मान जो अपने पास यहाँ -1 आया, इसका मतलब जो दो श्रेणियां हमने पढ़ी है उसमें आपका उच्च स्तरीय ऋणात्मक सहसंबंध होता है, और इस रो का मान 1 और -1 के बीच में ही होता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। 1 होगा तो धनात्मक उच्च स्तरीय धनात्मक सहसंबंध, और -1 होगा तो ऋणात्मक उच्च स्तरीय सहसंबंध होगा। और ये आपके पास 0.75 से 0 - 0.25 के बीच में है तो मध्यम स्तरीय ऋणात्मक सहसंबंध होगा, और इसी प्रकार 0.25 से 0 निम्न स्तरीय ऋणात्मक सहसंबंध होगा। इस सवाल में हम पहले x श्रेणी है इसकी कोटि देते हैं, सबसे बड़ा अपने पास 98 है, 98 को हमने 1 लिख दिया, उसके बाद आपका ये 92 इसको 2 लिखेंगे, और उसके बाद आप सबको ही इस प्रकार से कोटि दे देते हैं। इसी प्रकार हम यहाँ पर y श्रेणी को भी कोटि प्रदान करते हैं, तो अपना सबसे बड़ा मान इसके अंदर देखिए अपने पास यहाँ ये 91 है, ठीक है, इसको 1 दिया, फिर ये आपका 96 है, 86 है, इसको 2 दिया, इसी प्रकार इसमें भी सबको हम कोटि प्रदान कर देते हैं। ऐसे हमने x की श्रेणी और y श्रेणी दोनों को कोटि दे दी। अब हमें क्या करना है, इसका अंतर ज्ञात करना है, क्या याद करेंगे 10 - 3 है ये, अपने पास 7 रहेगा, 8 - 8 0 आ जाएगा, 1 - 1 0 आएगा, 9 - 6 3 आएगा, 4 - 4 0 आएगा, 3 - 5 माइनस के 2 लिख सकते हैं, नहीं लिखे के 2 लिखे तो भी चल जाएगा, 0 आएगा, 6 - 7 तो माइनस का 1 है, और 5 - 10 - 5 और 7 - 2 - 2, ठीक है ना, यहाँ माइनस नहीं लिखे तो भी चलेगा, क्योंकि हमें केवल डी के वर्ग का वर्ग ज्ञात करना है, इसका वर्ग करते हैं 49, ठीक है, 0 0, 3 का वर्ग आपके पास 9, 0 माइनस 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 0 का वर्ग 0, 1 का वर्ग 1, 5 का वर्ग 25 और माइनस 2 का वर्ग आपके पास 4 आ गया। इस प्रकार सिग्मा डी स्क्वायर अपने को ज्ञात करना है, इनको हम जोड़ लेते हैं, जोड़ते अपने पास आए ये आपके पास 92,
डी का मान ज्ञात कर लिया, अब हमें एन का मान चाहिए। एन अपने पास क्या है यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये आपके पास 10 हो गया। अब हम सवाल पे चलते हैं, रो इज इक्वल टू 1 - 6 × σd² बटा 10³ - 10, 1 × 6 × 12 1 और 9 × 54 = 55। ठीक है दोस्तों, आपके पास ये हो गया, 10 का घन करेंगे तो 1000 आएगा, माइनस 10 हो जाएगा, 1 - 552 बटा ये इसमें से घटा देते हैं, अपने पास 990 आ गए। और इसमें हम भाग देते हैं, 552 में हमें क्या करना है, देखो भाग देने का तरीका ये है, 552 है ये आपके पास, 52 में आप क्या करेंगे, 990 का भाग देना है, यानी 90 का ये है 0, इसका 10 में लगा दिए और 99 का भाग ही आपको देना है, तो आपका आंसर जो होगा वो 10 में आएगा। यहाँ अपने पास भाग देने पर ये मान आया, इसको हम इस एक में से घटा लेते हैं, 1.00 ये आपके पास 10.557, इसमें से उधार लेते हैं 10 में से 6 गए तो 4, यहाँ 0 है उधार लेंगे, 10 में से 1 उधार दे दिया हमने तो 9 में से 7 गए तो 2, यहाँ फिर उधार लेंगे 10 में एक उधार दिया 9 बचे, 9 में से 5 गए तो आपके पास 4, यहाँ एक उधार लेंगे 10 में से एक उधार दे रखा हमने तो आपके पास 9 बचे, 9 में से 5 गए तो 4, और यहाँ 10 और यहाँ एक उधार दे दिया तो 0। इस प्रकार से प्लस 0, 4, 4, 2, 4 ये आपका रो का मान आता है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब इसके इन सारणियों के बीच में आपका क्या है, मध्यम स्तरीय सहसंबंध है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी ठीक लगती है कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि मुझे भी मालूम चले कि आपको समझ में आ रहा है या क्या सुधार करना है। ठीक है साथियों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।